दिल्ली के द्वारका में डीटीसी बस से गिरकर एक ज्योति नाम की लड़की की मौत हो गई। ये हादसा इतना भयानक था कि कुछ ही पलों में ही हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि ज्योति अपनी दूसरी सहेलियों और मां के साथ थी। जैसे ही वो द्वारका मोड़ पर बस में चढ़ने लगी, तभी बस से गिर गई। बताया ये जा रहा है कि चढ़ते समय भीड़ की वजह से ज्योति का बैलेंस खराब होने के चलते वो बस से गिर गई और बस का पिछला टायर ज्योति के ऊपर से निकल गया। इस घटना स्थल पर मौके पर पहुंची पुलिस तमाम पहलुओं को लेकर अब जांच कर रही है। मन चौकीन यही द्वारका मोड़ के ही रहता हूँ। ये मेरे सामने हुआ था। क्या हुआ, क्या हुआ? मैं जस्ट अपने ट्यूशन के लिए निकल रहा था, गली के सामने मैंने देखा एक लेडी बस में चढ़ रही थी। उसी टाइम बस का दरवाजा बंद हो गया और बस वाले आगे लेने लग गया, तो अचानक ही उसका सर टायर के नीचे आ गया और बहुत ऐसा लगा कि बम जैसी आवाज आई, तो उसका ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और वो नजफगढ़ के यहाँ पे गोपाल नगर है, वहीं रहती है। 1 फरवरी की उसकी शादी थी, तो वो अपनी माँ के साथ कार्ड देने आई थी किसी के और पैसे निकालने आई थी। वो जस्ट चढ़ी थी तो ऑन द स्पॉट वो डेड हो गई। एक्चुअली मैं अपनी बाइक में पंचर लगवाने आया हुआ था यहाँ पे, तो सडनली मेरी नज़र पड़ती है कि एक आवाज़ आती है और मैं देखता हूँ कि एक लड़की बस के गेट पे लटकी हुई है। अंदर से पुश हुआ है किसी चीज़ से, तो वो ना तो गेट को पकड़ पाई है और ना ही छोड़ पाई है। इतनी देर में वो पिछले गेट से पीछे वाले टायर के नीचे आ गई है। बस यही मेरे सामने इंसिडेंट हुआ था। ऑन द स्पॉट वो उसकी डेथ हो गई थी, उसको मैंने हिलते हुए भी नहीं देखा। प्रादेशिक खबर में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए BVM News। नमस्कार।